नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाला है टेम्पलेट ड्राइंग के बारे में। टेम्पलेट ड्राइंग क्या होता है, ये ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, इसमें क्या क्या चीज़ रहता है और कैसे मालूम पड़ता है क्या क्या चीज़ है, इसको देखना है हम लोगों को। ठीक है, जैसे दिख रहा है ये टेम्पलेट ड्राइंग है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और अच्छा दिखेगा आपको। देखिए ये टेम्पलेट का ड्राइंग है, ये टेम्पलेट का ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग खुलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ऐसे ही होता है टेम्पलेट का ड्राइंग। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा छोटा नहीं, इसमें ये सही रहेगा। इस हिस्से में आपको टेम्पलेट का ऊपर का हिस्सा सेट करना पड़ता है। इसमें एक पीस छोड़ के ये एक पीस को छोड़ के पूरा यहाँ तक अलग अलग रहता है। और ये हिस्सा होता है बॉडी एक्सटेंशन। ठीक है, बॉडी एक्सटेंशन दो जगह में रहता है, यहाँ पे एक जगह में बॉडी एक्सटेंशन आपको देखना पड़ता है और इस जगह पे ये ऊपर का हिस्सा है, इस जगह पे ये है नीचे का हिस्सा। ये दोनों जगह पे आपको टेम्पलेट का बॉडी का एक्सटेंशन मालूम पड़ जाएगा। बॉडी का एक्सटेंशन टेम्पलेट में लिखा नहीं रहेगा, खाली एक एक होल रहेगा, ये होल को आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे पूरा दिखा रहा है ये कौन सा, ये एक एक होल में आपको पूरा मैप दिखा गया ये कौन सा एक्सटेंशन है। जैसे एक सेकेंड दिखा देता हूँ, देखिए ये जो बॉडी एक्सटेंशन का होल है 0 मीटर एक्सटेंशन, 1.5 मीटर एक्सटेंशन, 3 मीटर एक्सटेंशन, 4.5 मीटर एक्सटेंशन, 6 मीटर, ऐसा एक साइड में हमेशा जीरो में रहेगा पीस और दूसरे साइड में एक्सटेंशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक साइड में हमेशा जीरो रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा आदमी करता है दोनों साइड में आगे पीछे कर देता है बॉडी एक्सटेंशन के हिसाब से, ये गलत है। ये हो जाएगा तो टेम्पलेट सेट नहीं होगा। एक साइड में हमेशा जीरो में रहेगा और दूसरा साइड में आपको बॉडी एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा बात, इसमें ये जो टेम्पलेट का ये पीस है इसको बोलते हैं डायगोनल पीस। ये डायगोनल पीस अगर सही नहीं लगेगा तो टेम्पलेट सेट करने के बाद लाइन में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसमें हर एक पीस का नंबर दिया हुआ रहता है, ये पीस आपको देख के आपको जोड़ना है और कुछ नहीं। ड्राइंग में हर एक पीस का नंबर सब कुछ दिया रहता है, खाली वो पीस को देखना है और लगाना है, जोड़ना है और कुछ नहीं। जोड़ने के बाद आपका टेम्पलेट सेट हो जाएगा और कुछ बात नहीं है, इतना सा वो टेंशन वाला बात नहीं है। को बहुत सारा आदमी घबरा जाता है या टेम्पलेट कैसे सेट करेंगे, ऐसा कुछ बात है ही नहीं। ये हिस्से को देखना पड़ेगा कौन सा एक्सटेंशन है, यहाँ पे देखना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये हिस्सा चार जगह में रहेगा, ड्राइंग में एक ही जगह में दिखा रहा है, सेम टू सेम ये जो ऐसा जो चीज़ है ये चीज़ चार जगह में रहेगा। ये चारों हिस्से में आपको ये यहाँ पे जो है पीस को देखना पड़ेगा। ये 9 मीटर एक्सटेंशन बोल के यहाँ तक है, ये हिस्से में 9 मीटर एक्सटेंशन तक है। अगर 0 मीटर हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, अगर 1.5 मीटर में आ जाएगा तो ये लगने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, अगर 3 मीटर में आएगा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा एक्सटेंशन होता रहेगा। ठीक है, और इसमें देखने वाला बात होता है, जैसे ये हिस्सा होने के बाद ये जो है इसको बोलते हैं स्टब का हिस्सा, ये लगाना है उतना खास प्रॉब्लम है नहीं, खाली जोड़ दीजिए हो जाएगा। लेकिन एक जो मेन चीज़ है, टेम्पलेट का बोल्ट हमेशा लगाने के बाद टाइट होना एकदम ज़रूरी है। बिना टेम्पलेट का बोल्ट अगर टाइट नहीं होगा तो क्या होगा, जब आपका पूरा टेम्पलेट लाइन में ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जब कंक्रीटिंग स्टार्ट होगा तो टेम्पलेट भागता रहेगा और उसमें डायगोनल भाग जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसको मैं बता दिया, ये हिस्सा को बता दिया, इसको डायगोनल भी से नीचे रहता है। ये जो टेबल के हिसाब से ये है नीचे, ये होता है ऊपर डायगोनल, ऊपर भी डायगोनल लगेगा, नीचे का भी डायगोनल लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको टेम्पलेट में और एक चीज़ देखना होता है, टेम्पलेट लाइन में कैसे लेते हैं। टेम्पलेट लाइन में लेने के लिए यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा, ये जो पीस और ये पीस, ये दोनों का मेजरमेंट करना या नापना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए दोनों मेजरमेंट करके 4 मीटर आया तो बीच में आपको मार्किंग मारना है 2 मीटर में, सेम टू सेम ये साइड में भी मारना है, ऐसा चार साइड रहेगा, चार साइड में आपको मार्किंग मारना है दो दो मीटर में, उसमें धागा जोड़ देना है लाइन साइड में, धागा इस जो मार्किंग लगाए हैं मार्किंग से गुजरना चाहिए। और धागा कहाँ लगेगा, धागा मैच करना होगा जो लाइन पेग और जो सीपी है, सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर मैच करना चाहिए और कुछ नहीं। ये मैच हो जाएगा, लाइन में टेम्पलेट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल दो तरीके का होता है, एक टॉप अप टेम्पलेट, एक टॉप अप स्टब। टॉप अप टेम्पलेट का डायगोनल कहाँ मिलेगा, यह फाउंडेशन ड्राइंग में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो दिखने में आसान हो जाएगा, और थोड़ा सा जूम चाहिए। जी हाँ, देखिए ये लिखा हुआ है टॉप अप स्टब। टॉप अप स्टब कहाँ डायगोनल
नापना पड़ेगा। इस हिस्से में देखिए, ये हिस्सा पैटर्न में आ जाएगा आपको। इस हिस्से में जहाँ पे नीचे में स्टॉप जॉइंट होगा, ये हिस्सा होगा टॉप अप स्टॉप। उसके बाद उसमें देखिए आपको लिखा हुआ है बैक टू बैक डायगोनल लिखा। अब बैक टू बैक क्या है, डायगोनल क्या है, ये कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में सबको पता है डायगोनल क्या है, बैक टू बैक क्या होता है। हम लोगों को दो तरीके का डायगोनल या बैक टू बैक नापने से एकदम सही रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा, कंक्रीटिंग के बाद भी कंक्रीटिंग के पहले भी दोनों नापना पड़ता है। क्योंकि लेकिन बहुत सारे आदमी खाली ऊपर का टेम्पलेट का ड्राइंग टॉप अप टेम्पलेट नाप के छोड़ देते हैं, बोला हाँ भाई सही है, लेकिन ये गलत है, दोनों नापना पड़ता है, ज़रूरी है। टॉप अप टेम्पलेट का ये बैक टू बैक दिया है, ये डायगोनल दिया है। टॉप अप टेम्पलेट का डायगोनल कहाँ पर रहता है नापना पड़ता है, सेम टू सेम ये कोने में आना पड़ेगा। ये जो ऊपर का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर होता है टॉप अप टेम्पलेट का कोना, यहाँ से आपको डायगोनल भी नापना है, यहाँ से आपको बैक टू बैक भी नापना है। आप बैक टू बैक डायगोनल देखिए पूरा दिया हुआ है, जैसे इस ड्राइंग में दिया हुआ है डायगोनल, ए फॉर 0 मीटर एक्सटेंशन, ए फॉर 5 मीटर एक्सटेंशन। सेम टू सेम बैक टू बैक देखिए क्या दिया हुआ है, सीरीज में दिया हुआ है बैक टू बैक 1.5 मीटर एक्सटेंशन पूरा दिया हुआ है। ये आपको डायगोनल टेम्पलेट का और स्टॉप का डायगोनल आपको टेम्पलेट का ड्राइंग में ही मिल जाएगा। इसमें इस हिस्से को देखने का उतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि मेन चीज़ यही होता है, बस इतना था कि इसमें आपको। और एक चीज़ है, यहाँ पे जो हिस्सा है यह है स्टब का स्लोप। स्टब का जो स्लोप है, ये स्लोप मतलब कैसे कितना स्लोप में आपको स्टब जो है आपको झुलाना है, ये देखना पड़ता है। ये अगर टेम्पलेट सही रखेंगे, टेम्पलेट सही से सेट करेंगे, तो इसको कोई ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं। ये ज़रूरत पड़ता है जब फाउंडेशन में प्रॉप सेटिंग होता है, उस टाइम इसको ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि उस टाइम जो फाउंडेशन का जो सुपरवाइज़र होता है या साइड इंजीनियर होता है, उसको कोई काम नहीं है, खाली जो सर्वर है वो आपको ये सब सेट करके दे देगा, तब ये पूरा हिस्से को ज़रूरत है नहीं, खाली प्रॉप सेटिंग होगा। ठीक है, चलिए प्रॉप सेटिंग का तो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें टेम्पलेट का ड्राइंग देख लीजिए, ये चीज़ है आपको। यहाँ पे आपको बॉडी एक्सटेंशन मिल जाएगा, यहाँ पे भी बॉडी एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये हिस्सा 4 साइड में रहेगा, ये हिस्सा भी 4 साइड में रहेगा। यहाँ पे खाली इतना एक साइड का सेट दिया हुआ है, ऐसे आपको 3 और लगाना पड़ेगा, सेम टू सेम ही होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर एक आपको सेट करना आ गया तो बाकी का 3 भी आप सेट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है या कोई डाउट है, आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ऐसा कोई बात है नहीं। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है। बस इसी के साथ मैं अपना जो नया वीडियो है वो ख़त्म करता हूँ, और आप लोग चाहे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने से मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, तो आपको जानकारी भी अच्छा मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प।